इस सेशन के अंदर हम फ्लैश में गाइड लेयर पर काम करने का तरीका सीखेंगे। गाइड लेयर बेसिकली एक ऐसा ऑप्शन है फ्लैश के अंदर जिसकी मदद लेते हुए आप अपने किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को उस गाइड लेयर के ऊपर एक्यूरेट डायरेक्शंस के अंदर रन कर सकते हैं। मैं गाइड लेयर के मतलब एक छोटा सा प्रोजेक्ट आपको डेमो की सूरत में दिखा रहा हूँ। गाइड लेयर पर काम करने से पहले हम ये चाहते हैं कि लाइक हमारे पास एक बॉल हो जो जमीन पे, जैसे हम बॉल को गिराते हैं तो वो किस तरह से बाउंस करती हुई जमीन पे ले डाउन हो जाती है, इस तरह से कुछ एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम बनाना चाहते हैं। सबसे पहले मैं लेयर वन को सिलेक्ट करता हूँ और लेयर वन पर मैं डबल क्लिक करके इसका नाम बॉल रख देता हूँ और सर्कल के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए एक सिंपल सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। एरो का टूल सिलेक्ट करके अगर हम सर्कल का कलर अपनी मर्जी से कुछ भी रखना चाहें तो वो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। लाइक मैंने सर्कल की आउटलाइन कलर और इनसाइड कलर सेलेक्ट किया, देन उसके बाद कीबोर्ड से F8 बटन प्रेस किया और सर्कल को हम ग्राफिक में कन्वर्ट करते हैं और इसका नाम बॉल रख देते हैं। ये काम हमने बॉल की लेयर पे किया। लेयर क्रिएट करने वाले टूल के बराबर में हमारे पास एक और आइकॉन है, क्रिएट अ गाइड लेयर। तो हमने क्रिएट अ गाइड लेयर पे क्लिक किया, हमारे पास एक गाइड लेयर तैयार हो गई। इस गाइड लेयर की फ्रेम वन को हम सिलेक्ट करते हैं और अपने पेंसिल टूल की मदद लेते हुए गाइड लेयर क्रिएट करते हैं। लाइक गाइड लेयर मुझे कुछ इस तरह से चाहिए कि लाइक अ स्ट्रेट बॉल गिरे और देन वो बाउंस करती हुई आहिस्ते आहिस्ते करते हुए जमीन पे ले डाउन हो जाए। जब मैंने गाइड लेयर बनाई तो आप देखें इसका हर एक कॉर्नर बहुत ही स्ट्रेट है। मैं चाहता हूं कि बॉल जो है वो राउंड शेप के अंदर गिरे, तो इसके कॉर्नर्स को भी मुझे राउंड क्रिएट करना था, तो इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास यहां पर यूज होती है। पेंसिल की प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी है स्ट्रेट, दूसरी है स्मूथ और तीसरी है इंक। तो हम स्ट्रेट की जगह स्मूथ की प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करते हुए जब काम करेंगे तो हमारे जो कॉर्नर्स हैं वो एग्जैक्टली राउंड होंगे। ऐसा करने के लिए मैं अंडू कमांड का इस्तेमाल करता हूँ, लाइक कंट्रोल जेड, जिससे मेरी तमाम लाइंस जो है वो रिमूव हो गई और मैं लाइन प्रॉपर्टी से जाकर स्मूथ को सिलेक्ट करता हूँ और दोबारा से अपने लिए लाइंस जो है वो क्रिएट करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि तमाम लाइंस जो है वो लाइक गोल शेप के अंदर हमारे पास मौजूद हैं। इसके बाद मैंने कीबोर्ड से वी बटन प्रेस किया जो कि मूव का शॉर्टकट है। इसके बाद मैंने अपनी बॉल को सिलेक्ट किया। बॉल के सेंटर में एक स्मॉल सर्कल आ रहा है जो इसका मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट से हम बॉल को सिलेक्ट करेंगे यानी उस पर क्लिक करके रखेंगे और अपनी गाइड लेयर के बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट के साथ उसको मैच कर देंगे। यह है हमारा स्टार्ट पॉइंट जहां से हमारी बॉल गिरना शुरू होगी। फ्रेम 25 पे जाकर हम दोनों फ्रेम्स को सिलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड से F6 बटन प्रेस करते हैं। F6 बटन प्रेस करने से हमने नेक्स्ट डेस्टिनेशन उसका डिफाइन किया। पेज पर खाली जगह पर क्लिक करते हैं और अपनी बॉल को अलग करते हुए उसको मिड पॉइंट से सिलेक्ट करते हैं और अपनी गाइड लेयर के लास्ट कॉर्नर पर जाकर उसको मैच कर देते हैं, यानी गाइड लेयर पर बॉल हमारी इस तरह से चलती हुई हमें नजर आए। देन बॉल की लेयर पर राइट क्लिक करते हैं और क्रिएट मोशन कर देते हैं। ऐसा करने से आप देखें बॉल जो है वो एग्जैक्टली बाउंस होगी और हमें हमारे पेज पर चलती हुई नजर आएगी। लाइक देखें कुछ इस तरह से गाइड लेयर पर ये चलती हुई हमें नजर आ रही है। इसको देखने के लिए मैं एंटर बटन प्रेस कर रहा हूं। आप देखें इस वक्त तो गाइड लेयर नजर आ रही है और उस गाइड लेयर पर हमारी बॉल जो है वो हमें चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन जब मैं मूवी को प्ले करूंगा यानी कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा तो हमारी बॉल गाइड लेयर के ऊपर गिरती हुई हमें नजर आएगी, लेकिन गाइड लेयर यहां पर गायब हो जाएगी। गाइड लेयर का काम बेसिकली सिर्फ एक रूट बनाना है, एक डेस्टिनेशन बनाना है जिस पर हमारी बॉल चलेगी। वो जस्ट लाइक एक पाथ की तरह है जिस पर हमारी बॉल जो है वो चलती हुई हमें नजर आ रही है। तो एक बेस्ट ऑप्शन गाइड लेयर का
जिसकी मदद लेते हुए हम किसी भी अपने ऑब्जेक्ट को आसानी से रन करवा सकते हैं।